हेलो गाइज, मैं हूँ आकाश, इंडियन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार एक ब्लूटूथ हेडफोन बनाकर दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइज, इसको मैंने घर पर ही बनाया। गाइज, ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो कम से कम 1.5 से 2 हज़ार रुपये तो इजीली खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये वीडियो देख के ये ब्लूटूथ हेडफोन खाली आप 200 रुपये में घर पर ही बना सकते हो। गाइज, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी जाके आपको इससे कनेक्शन समझ में आएंगे। अदरवाइज अगर गलत कनेक्शन कर दोगे तो आपका ब्लूटूथ डिवाइस खराब हो सकता है। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो गाइज, वीडियो में अंत तक बने रहे, चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। गाइज, हमें ब्लूटूथ बनाने के लिए एक पुराने हेडफोन की जरूरत पड़ने वाली है। देख सकते हैं गाइज, मेरे पास एक पुराना हेडफोन पड़ा था गाइज, तो इसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अभी इसके रिमोट को मैं ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं गाइज, किस तरह से इसको ओपन करना है। सेम तरीके से देखिए आपको ओपन करना होगा गाइज। तो गाइज, देख सकते हैं इसका पीसीबी भी बाहर आ चुका है। चलिए फटाफट इसको निकाल लेता हूँ। तो गाइज, देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है इनको हटाना है गाइज, इसी ड्राइवर की हमें जरूरत पड़ने वाली है। जो बाकी का 3.5 mm जैक है गाइज, उसी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है गाइज, गाइज देख सकते हैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है। गाइज, ब्लूटूथ हेडफोन बनाने के लिए मैं ब्लूटूथ 4.1 वायरलेस ऑडियो रिसीवर का यूज़ करने वाला हूँ। गाइज, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, ये 90 रुपीज़ का एक मुझे पड़ा है। गाइज, इसका बाय लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइज, इस ब्लूटूथ को पावर देने के लिए मैं 3.7 वोल्ट 220 mAh लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। गाइज, इसको मैंने लोकल शॉप से परचेस किया है। गाइज, ये 90 रुपये का एक बैटरी मुझे पड़ा है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा था। गाइज, गाइज इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। गाइज, इसको मैंने ऑफलाइन परचेस किया है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा था। ऑफलाइन मुझे ये 20 रुपये का एक मिला है। गाइज, गाइज ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक स्विच की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं गाइज, इसको मैंने लोकल शॉप से परचेस किया है, 5 रुपये की एक मुझे पड़ी है गाइज ये स्विच। गाइज, ब्लूटूथ की कैबिनेट के लिए मैं पुराने हाइलाइटर की बॉडी यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइज, मेरे पास ये पुराना हाइलाइटर पड़ा था, तो उसकी बॉडी में यूज़ करने वाला हूँ। ये परफेक्ट साइज में है गाइज, इसमें सारे कंपोनेंट्स इजीली आ जाएंगे, बैटरी वगैरह सब कुछ। देख सकते हैं आप भी, हो सके तो पुराना हाइलाइटर की बॉडी यूज़ कीजिए। गाइज, इसके दूसरे साइड को कवर करने के लिए मैंने पीवीसी शीट का टुकड़ा काट लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने फिनिशिंग कर दिया गाइज, देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चार्जिंग मॉड्यूल के साथ अभी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको शोल्डरिंग कर रहा हूँ, सेम तरीके से देख के आपको शोल्डरिंग करना होगा। तो देख सकते हैं गाइस, जो रेड वाला वायर है वो बी पॉजिटिव पर शोल्डरिंग करना है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो बी माइनस पर शोल्डरिंग कर देना है परफेक्ट तरीके से। गाइस देख सकते हैं, आपको इस तरह से दो वायर लेने हैं। देख सकते हैं गाइस, इसको गाइस आउटपुट पे लगाना है। देख सकते हैं आउट माइनस आउट प्लस लिखा है, इस तरह से इसको यहाँ पर लगाना है। गाइस सेम तरीके से देख के आपको लगाना होगा, आपको गलत कनेक्शन नहीं करना है। अगर आप गलत कनेक्शन कर दोगे तो आपका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो ऑन नहीं होगा गाइस। तो गाइज़ देख सकते हैं हमारे चार्जिंग मॉड्यूल के ऑलमोस्ट कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हैं गाइज़ कितने इजी तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया है इसके। गाइज इसके जो आउटपुट वायर्स है गाइज, जो हमने अभी शोल्डरिंग किया है, उसको हमें रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है। देख सकते हैं गाइज, ये है ऑडियो रिसीवर। गाइज इसका जो रेड वाला वायर है वो हमें 5 वोल्ट पर कनेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे DC 5 वोल्ट लिखा है, और जो ब्लैक वाला वायर है उसे हमें ग्राउंड पर कनेक्ट कर देना है, शोल्डरिंग कर देना है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर GND लिखा है, उस पर इस तरह से शोल्डरिंग कर देना है आपको। तो चलिए फटाफट मैं सारे वायर्स को शोल्डरिंग कर देता हूँ गाइज। तो गाइस, अब देख सकते हैं हमारे चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन रिसीवर के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस ये जो दो वायर है यहाँ पर हमें इस तरह से स्विच लगाना होगा ब्लूटूथ ऑन ऑफ के लिए। तो गाइस, अब देख सकते हैं हमारे जो ब्लूटूथ का कैबिनेट है, यहाँ पर स्विच लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्रुप कटिंग करनी होगी। देख सकते हैं गाइस इस तरह से। तो चलिए गाइस, फटाफट यहाँ पे मैं ग्रुप कटिंग कर देता हूँ। तो गाइस, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्रुप कटिंग कर दिया है स्विच के लिए, हमारे स्विच भी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से फिक्स हो रही है। तो गाइस, अब देख सकते हैं हमने जो पीवीसी शीट कटिंग किया था कैबिनेट के दूसरे साइड को कवर करने के लिए गाइस, उस पर भी हमें ग्रुप कटिंग करना होगा चार्जिंग मॉड्यूल के लिए। यहाँ से हम चार्जिंग कर पाएंगे हमारे चार्जिंग मॉड्यूल से। देख सकते हैं इस तरह से ये फिक्स होगा गाइस। तो चलिए फटाफट यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो गाइस, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर के लिए ग्रुप कटिंग कर दिया है, ये भी देख सकते हैं गाइस एकदम मस्त तरीके से फिक्स हो रहा है। देख सकते हैं आपको भी सेम तरीके से देख के कटिंग करना होगा गाइस। गाइस इस ड्राइवर के वायर को पास करने के लिए हमारे पास जो कॉलर क्लिप है गाइस, इसमें से होल करना होगा, तभी जाके ये वायर पास होंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मैं होल कर देता हूँ। तो गाइस, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर होल कर दिया है, तो चलिए फटाफट इसमें से वायर पास कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपको धीरे से करना, खींचना नहीं है गाइस इसको, नहीं तो ये खराब हो सकते हो, इसके वायर ब्रेक हो सकते हैं। एकदम आराम से इसको आराम से खींचना है इस तरीके से। देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सेम तरीके से देख के आपको करना होगा गाइस। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ गाइस। तो गाइस, अब देख सकते हैं ड्राइवर के वायर को मैंने कैबिनेट से पास कर दिया। तो चलिए फटाफट गाइस यहाँ पे ड्राइवर के कनेक्शन कर देते हैं। देख सकते हैं एल आउट और आर आउट लिखा है, और GND लिखा है, यहाँ पे कनेक्शन करना है गाइस। तो चलिए देख सकते हैं मैं किस तरह से कनेक्शन कर रहा हूँ गाइस। अगर इसे कनेक्शन समझ में ना आए तो आप गाइस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये दो येलो कलर के वायर, ये हमारे GND है और ये लेफ्ट और राइट है गाइस। तो चलिए फटाफट इसके कनेक्शन में कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं येलो कलर का वायर मैं GND पे शोल्डरिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं, और जो ग्रीन कलर के वायर है उसको लेफ्ट और राइट में शोल्डरिंग कर देना है। देख सकते हैं गाइस किस तरह से मैं कर रहा हूँ, बहुत ईजी कनेक्शन है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे कनेक्शन
कनेक्शन अभी फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं किस तरह से मैं कनेक्शन किया है गाइस। गाइस इस पर अभी जो कनेक्शन हमने किया है इस पर एक टेप लगाना होगा, अदरवाइज एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो सकते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट अभी मैं इस पर एक टेप लगा देता हूं गाइस। और आपको कनेक्शन समझ में ना आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पॉज कर दीजिए, तभी जाके आपको कनेक्शन समझ में आएंगे। और गाइस ये दोनों वायर पर हमें इस तरह से स्विच लगाना है, इससे हमारा ब्लूटूथ ऑन ऑफ होगा गाइस। तो चलिए गाइस फटाफट हमने जो कनेक्शन किया है उस पर एक पेपर टेप लगा देते गाइस, नहीं तो ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो सकते हैं और ये कनेक्शन निकल भी सकते हैं गाइस। तो अच्छी तरह से इस पर टेप लगा देते गाइस दोनों कंपोनेंट पर, देख सकते हैं रिसीवर का तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए चार्जिंग मॉड्यूल पर भी सेम तरीके से टेप लगा देता होगा इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों कंपोनेंट के कनेक्शन पर मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर टेप लगा दिए हैं, देख सकते गाइस बहुत इजी कनेक्शन है। आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो रिसीवर है उसको चार्जिंग मॉड्यूल पर इस तरह से यहाँ पर फिक्स करना है गाइस। तो इसके लिए मैं डबल साइड टेप का यूज़ करूँगा, देख सकते हैं गाइस इसमें आपको सुपर ग्लू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, अदरवाइज ये आपके जो कनेक्शन है उसको ख़राब कर देगा गाइस। आपको डबल साइड का टेप ही यूज़ करना है गाइस इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। तो चलिए फटाफट इसको कैबिनेट में असेंबल कर देते हैं इस कंपोनेंट्स को, देख सकते गाइस किस तरह से मैं कर रहा हूँ। सेम तरीके से देख के आपको आराम से करना है गाइस, ज़्यादा यानी जोर नहीं लगाना है, नहीं तो कनेक्शन आपके निकल सकते हैं। आराम से इसको करना है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कैबिनेट में हमारे सारे कंपोनेंट अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं गाइस, देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से और आसानी से फिक्स हो गए गाइस। तो चलिए इस दोनों वायर पर स्विच कनेक्ट करना है गाइस, देख सकते हैं इससे हमारा ब्लूटूथ ऑन ऑफ होगा गाइस, यानी ऐसे वायर को खुले नहीं छोड़ना। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन में कर देता हूं। तो गाइस देख सकते हैं जो एक वायर है वो स्विच के सेंटर में लगाना है और दूसरा वायर है स्विच के साइड में लगाना है गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कनेक्शन अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट स्विच को असेंबल कर देते हैं, उसको धकेल के अच्छी तरह से फिक्स कर देते गाइस इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी स्विच परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गई है गाइस। इसको सुपर ग्लू की हेल्प से नहीं चिपकाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है गाइस, इन फ्यूचर आपको खोलने की जरूरत पड़ी तो आराम से निकल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल है, हमने जो पीवीसी शीट कट किया है गाइस उस पर जो ग्रुप कटिंग किया है उसको इस तरह से चार्जिंग मॉड्यूल पर फिक्स करना है गाइस, देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ गाइस। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स करना है, नहीं तो ये चार्जिंग आप लगाने जाओगे तो वो खराब भी हो सकता है और निकल भी सकता है गाइस। इसको गाइस हल्का सा यानी सुपर ग्लू से यानी स्टिक करना है, ज़्यादा सुपर ग्लू नहीं डालना है गाइस, अदरवाइज आपका चार्जिंग कनेक्टर खराब हो सकता है। तो गाइस ये स्टिक हो जाने के बाद तो इसको चलिए फटाफट हमें हॉट ग्लू गन से अच्छी तरह से यहाँ पे पैक करते थे इसको गाइस, देख सकते हैं। आपको हॉट ग्लू गन भी ज़्यादा नहीं लगाना है गाइस, अच्छा हल्का सा लगाना है और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर देना गाइस। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी गैप है, तो इसको भी सुपर ग्लू की मदद से इसको पैक कर देना है, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा सुपर ग्लू डालना है, वो फैल जाता है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ डिवाइस बनकर रेडी हो चुका है गाइस, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए गाइस फटाफट इसको मैं चार्जिंग करके दिखाता हूँ, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं पावर बैंक का यूज़ करने वाला हूँ गाइस, इसको मैंने घर पर ही बनाया गाइस। इसका मेकिंग वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं पावर बैंक का LED ग्लो करने लगा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यानी ये है ब्लूटूथ है उसका, देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा लाइट दिख रहा है रेड कलर का, यानी हमारा ब्लूटूथ चार्ज हो रहा है गाइस परफेक्ट तरीके से। तो चलिए गाइस फटाफट इसको फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, देख सकते हैं अभी सर्च कर रहा है डिवाइस, देख सकते हैं हमारा फोन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ गया है BT-SS1, ये ब्लूटूथ का नेम है गाइस, देख सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट पेयर करते हैं गाइस, बहुत इजी है पेयरिंग। तो देख सकते हैं गाइस ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए फटाफट एक मैं आपको सॉन्ग सुना के दिखाता हूँ। तो गाइस इसके लिए मैं एनसीएस म्यूजिक का यूज़ करने वाला हूँ गाइस, मेरे को कॉपीराइट आ सकता है। गाइस हमारा ब्लूटूथ डिवाइस फोन पर तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो चलिए इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है इस पर। तो चलिए इसको ऑन कर दिया मैंने, तो चलिए लैपटॉप का भी ब्लूटूथ मैंने ऑन कर दिया, देख सकते हैं गाइस। तो चलिए इसको सर्च करते एक बार, ये इसका नाम शो करता है कि नहीं करता लैपटॉप पे, मैंने सर्चिंग पर डाल दिया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे BT-SS1 इसका नाम आ गया है यहाँ पर लिखकर। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए गाइस मैं आपको एक NCS म्यूजिक सुना के दिखाता हूँ काम करता है कि नहीं करता है। तो गाइस हमारा ब्लूटूथ डिवाइस फोन के साथ और लैपटॉप के साथ परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है गाइस, जो मार्केट में ब्लूटूथ डिवाइसेस आते हैं उनके तरह ही सेम ये काम करने वाला है गाइस। तो कितना इजी है इसको बनाना, आप इजीली इसको घर पर बना सकते हो गाइस ये वीडियो देख के। गाइस आपको इसके कनेक्शन समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा गाइस आपके कमेंट का रिप्लाई देने की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ये ब्लूटूथ हेडफोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।